तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस। तो गैस अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेटीएम वॉलेट को कैसे एक्टिवेट किया जाता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो गैस आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपने मोबाइल नंबर से साइनअप कर लेना है। जैसे आप साइनअप कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पेटीएम एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका पेटीएम वॉलेट एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आपको कहां से चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करके होम स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा आपको अपनी प्रोफाइल फोटो यहां पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं कहां पे क्लिक करना है, यहां पे आपको क्लिक करना है प्रोफाइल फोटो पे। उसके बाद यहां पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको प्रोफाइल सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपको सबसे पहले नंबर पे दिखेगा प्रोफाइल, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे नीचे दिखाई देगा आपको पेटीएम वॉलेट यहाँ पे जो कि इनएक्टिव है। अगर आप इसको एक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार दिखेगा। जैसा आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है KYC। जैसा आप KYC सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा KYC नियर पॉइंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्लीज़ सबमिट योर बेसिक डिटेल टू एक्टिवेट पेटीएम वॉलेट। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पे पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होता है। तो यहाँ पे फिलहाल आधार कार्ड से हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का यहाँ पे जो भी नंबर है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे की साइड में जो लिखा हुआ है फुल नेम एज पर आधार कार्ड, यानी कि जो आधार कार्ड पर लिखा है वही नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे अपना आधार कार्ड और नाम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसा आप फिल कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिवेट माई वॉलेट का एक ऑप्शन दिखेगा नीचे की साइड में, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पे एक्टिवेट माई वॉलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उसके बाद जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फोन में एक OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इस OTP को यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप मैन्युअली फिल कर देंगे। मैन्युअली फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अपना OTP फिल कर दिया है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए गलत हो जाता है तो फिर थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP को सबमिट कर देना है। जैसा आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है एरर आ रहा है क्योंकि पेटीएम वॉलेट का जो KYC है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी पेटीएम एप्लीकेशन ने अपनी KYC को क्लोज कर रखा है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के वजह से यहाँ पे जो है अभी पेटीएम ने KYC को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा था कि कैसे आपको पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करना है। बस जैसे आप सबमिट करेंगे OTP, आपका जो KYC है कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो पेटीएम वॉलेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो गैस बहुत से वीडियो में मैंने ये देखा है, सभी ये कह रहे हैं कि पेटीएम की KYC जो है वो चालू हो गई है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई है। आप उन वीडियो के गुमराह में ना आए, यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि कैसा आपका प्रोसेस है, लेकिन आपको कुछ दिन वेट करना होगा तभी आपका पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट होगा। तो गैस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गैस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द, तब तक के लिए।